हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन पर अमेज़ॉन पे के एप्लीकेशन में जब भी आप लोग यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, आपके फ़ोन पर क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन पर क्यों आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फ़ोन पर अगर नेटवर्क वगैरह में इशू रहता है तो आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन में सबसे पहले जो अमेज़ॉन पे का एप्लीकेशन है अमेज़ॉन का, आप लोग यहाँ पे उसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है एक। कभी कभी क्या होता है, आपके फ़ोन पर जो अमेज़ॉन का जो नेटवर्क सेटिंग है वो यहाँ पे बंद हो जाता है, तो आपको यहाँ पे उसको अलाउ करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग को ओपन करिए, उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में क्लिक करना है, मैनेज एप्लीकेशन में आना है और यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करके इस तरीके से अमेज़ॉन लिख लेना है। अमेज़ॉन लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे अमेज़ॉन को ओपन करना है। अमेज़ॉन को ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे ऐप परमिशन पे क्लिक करना है। ऐप परमिशन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे सभी परमिशंस को अलाउ कर दीजिए, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्टेड डेटा यूसेज का ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करिए। और यहाँ पे दोस्तों ये जो ऑप्शन है कभी कभी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे नेटवर्क इशू में जो है प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग यहाँ पे इसको दोनों को इनेबल करिए, इस तरीके से टिक करिए और अलाउ करके ओके कर दीजिए। तो फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आप लोग यहाँ पर स्कैन करेंगे तो वो यहाँ पर स्कैन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।